पूर्व विधायक पंडित मुकेश नायक ने यात्रियों राहगीरों को ठंडा और शुद्ध जल की उपलब्धता के लिए पवई बस स्टैंड प्रत्याशालय के बाहर वाटर कूलर लगवाया था, जो कुछ साल तक चलता रहा, लेकिन नगर परिषद पवई की देखरेख के अभाव से तकनीकी खराब होने के कारण बंद पड़ा हुआ है। कभी कभी प्यासे राहगीर वाटर कूलर को देखकर पानी पीने के लिए पूछते हैं, पर वह खराब होने से राहगीरों को मायूस होना पड़ा है। बिगड़े पड़े वाटर कूलर को लेकर नगर परिषद ने कहा कि जल्द ही वाटर कूलर को सुधार कर चालू करवाया जाए, ताकि यात्री राहगीरों को ठंडा और शुद्ध जल मिल सके। हमारे जो पहले पूर्व विधायक थे, उनके द्वारा जो पानी की टंकी का जो वाटर कूलर लगाया गया था, आज एक वर्ष डेढ़ वर्ष से बंद है, इसमें कोई पानी नहीं आया। दूसरा ऊपर टंकी है जिसमें बंदर की टंकी है, और उसी को जब चालू करेंगे ना, साफ सफाई कुछ नहीं है, और यहाँ जनता बड़ी परेशान है।